Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. 1976. ये वो दौर था जब हीरो और विलन बराबर के चक्कर के हुआ करते थे। तब तक विलन का रूप बदल चुका था, न ही उसके गले रुमाल बंधा होता और न ही उसके बिखरे बाल होते। अजीत साहब के बोलने का अंदाज सदा था कि लोग उन्हें देखकर बस वाह कर पाते। आज ही के दिन 1992 में उनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा को शायद पहली बार ऐसा एक विलन मिला था जो काफी सौम्य और प्रभावशाली ढंग से विलन के किरदार को फिल्मी पर्दे पर जीवित कर देता था। अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और इसी का सपना लिए वो घर से भागकर मुंबई आ गए थे। अजीत पर अपने इस सपने को पूरा करने का जुनून इस कदर सवार था कि उन्होंने अपनी किताबें तक बेच डाली। 1940 में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। कुछ समय तक उन्होंने बतौर हीरो फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फ्लॉप रहे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। विलेन के तौर पर ना सिर्फ उनके किरदारों को सराहा गया, बल्कि उनके कई डायलॉग और वन लाइनर जबरदस्त हिट हुए। आज भी जब अजीत के नाम का जिक्र होता है तो अनायास ही मोना डार्लिंग, लिली डोंट बी सिली और लॉयन जैसे डायलॉग जुबा पर आ जाते हैं। अजीत ने विलन और उसके किरदार की ऐसी परिभाषा और लुक गढ़ा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है। अजीत का फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। मुंबई आने के बाद अजीत का कोई ठोस ठिकाना नहीं था। काफी वक्त तक उन्हें सीमेंट की बनी पाइपों में रहना पड़ा जिन्हें नालों में इस्तेमाल किया जाता है। उन दिनों लोकल एरिया के गुंडे उन पाइपों में रहने वाले लोगों से भी हफ्ता वसूली करते थे और जो भी पैसे देता उसे ही उन पाइपों में रहने की इजाजत मिलती थी। एक दिन एक लोकल गुंडे ने अजीत से भी पैसे वसूलने चाहे। अजीत ने मना कर दिया और उस लोकल गुंडे की जमकर धुलाई की। उसके अगले दिन से अजीत खुद लोकल गुंडे बन गए। इसका असर ये हुआ कि उन्हें खाना पीना मुफ्त में मिलने लगा और रहने का भी बंदोबस्त हो गया। डर की वजह से कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था। अजीत ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नास्तिक, मुगले आजम, नया दौर और मिलन जैसी फिल्मों को अजीत ने अपने किरदार से सजाया। 22 अक्टूबर 1998 में अजीत ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। Bureau Report, Indian Film History. For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.